वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। और आज रात हो गई हरिद्वार में बारिश, और पहली बारिश हुई तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सुबह सुबह का। और आज मैं पेड़ पौधे भी अपने थोड़े से ग्रास निकाल के आई उसमें और थोड़ा सा ठीक किया, और बड़े अच्छे नहाए नहाए हो रहे हैं, बहुत सुंदर। सो गाइज, हम जाने वाले हैं आज देव के लिए कपड़े खरीदने के लिए, और देव देहरादून के मॉल में कह रहा है जाने के लिए, तो रेडी हो जाते हैं और फिर चलते हैं। गाइज कहाँ चलना है सो देखते हैं। और देखिए मैं आपको मौसम दिखाती हूँ आज का, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है एकदम। पेड़ भी जो ये लौकी तोरी और कद्दू हैं एक रात में बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं देखिए, वरना इतने छोटे छोटे दिख रहे थे कल तक, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। और पेड़ पौधे भी बिल्कुल नहाए हुए लग रहे हैं, और मैं बालकनी में खड़ी हूँ बाहर, और हल्की सी चमक अभी धूप की आ गई है। सुबह बड़ा अच्छा हो रहा था लेकिन, और हल्की हल्की बूंद भी है, एक एक दो दो बूंद भी पड़ रही है और धूप भी निकल रही है। लेकिन कल रात लगभग 11:30 बजे अच्छी बारिश आई है ठीक ठाक। सो गाइज मिलती हूँ थोड़ी देर में, नहा लेते हैं फिर पहले। सो गाइज हम घर से निकल चुके हैं और 12 बज गए हैं, और हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून, जो कि देहरादून से थोड़ा ही पहले पड़ेगा, क्योंकि देव के कपड़े लेने हैं हमें शादी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और राधे जी में और देव हम तीनों ही जा रहे हैं बस, और काफी लेट हो गए हैं घर से निकलने में, लेकिन 11 बजे तक तो मॉल भी खुलता है। सो गाइज चलते हैं। वो तो पापा कह रहे थे संडे में चलेंगे, संडे में तो बहुत हम निकल भी नहीं पाओगे, है ना देखी? नहीं अब संडे तक तो गंगा दशहरा खत्म हो जाएगा। बात गंगा दशहरा नहीं, बात है वीकेंड, वीकेंड पे ऋषिकेश तो लोग जा ही रहे हैं अभी भी। वो तो उनका काम है लोगों को, तो बस फिर वीकेंड पे तो भीड़ मिलेगी। देहरादून यहाँ से 51 है देख। तो गाइज हम पहुँच गए और भीड़ तो काफी है, देखिये गाड़ी खड़ी है बहुत सारी, देहरादून मॉल के नाम से है ये। गाइस हम मॉल में पहुंच चुके हैं देखिए, और बहुत सारे ब्रांड है यहाँ, 40% ऑफ। सो गाइस मॉल तो सुंदर लग रहा है अभी तक तो, और हम पहली बार इस मॉल में आए हैं, ये भी देव हमें लेके आया है जबरदस्ती, वरना हमेशा हम पैसिफिक में ही जाते थे। और देखिए अलग अलग ब्रांड है, ये वाला भी एक ब्रांड है, गेंट है, नाइका लक्स, काफी हैं। हाँ और देखो गाइस ऊपर भी कितने सारे मेट्रो हैं गाइस, देखिए दुबई का ब्रांड है लिखा हुआ भी है इस पे, और परफ्यूम, हाँ परफ्यूम का है, उन्हें जाने दे हम नहीं जा रहे। कुछ कपड़े हमने जोकी से खरीद लिए हैं, लोअर और टी शर्ट्स। कहाँ? नहीं ये भी तो हम वहीं घूम रहे हैं, चलो वहाँ चलो। ₹1000 का मिल जाएगा, तुम चुप रहो। तो गाइस यादव जी के लिए लिए हमने यहाँ से। सो गाइस देखिए एक देव ने ये ट्राई किया, गाइज हम आ गए हैं यहाँ खाने के लिए ऊपर, और मैं तो अपने लिए डोसा मंगा रही हूँ, देव गया अपने लिए बर्गर लेने, आप देखिए खाएंगे चूर चूर नान। वो लगाओ ना सॉस, लगाओ टिप लगाओ। सो गाइस शॉपिंग हमारी हो गई है और हम निकल चुके हैं यहाँ से, और हम सभी ने कपड़े लिए हैं, हालांकि हम देव के लिए लेने आए थे खाली,
लेकिन आदित्य जी के तो सबसे ज्यादा है। हाँ अभी गिन लेंगे किसके कितने हैं। शाम के 6:15 बज गए और हम अभी अभी घर पहुंचे हैं और हमने बहुत सारे ब्रांड के कपड़े आज ले लिए हैं। सबसे ज़्यादा हालांकि आदित्य जी के, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने लिया लिवाइज, रेमंड, ऑक्टिव, लुई फिलिप और जोकी। और थोड़ी देर में आपको दिखाने वाली हूँ मैं निकाल के कि हमने क्या क्या चीज़ ली है, और बहुत सारी चीज़ ले ली है ऐसे। सो गाइज मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज मैं आकर सो गई थी और मैं अभी अभी उठी हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से कपड़े लेके आई हूँ। देखिए ये है आदित्य जी का जींस, ये भी आदित्य जी की जींस जो कि यूँ कह रहे थे कि मेरे कपड़े तो सबसे कम है। ये फॉर्मल में है पैंट आदित्य जी की, ये भी फॉर्मल में है पैंट आदित्य जी की, ब्लैक और बॉटल ग्रीन कलर है दोनों अलग अलग। और गाइस ये है मेरे बच्चों की देव की ओनली एक नहीं दो थी तो नहीं है, नहीं एक ही है। और ये है शर्ट देव के लिए। सो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है। और ये भी आदित्य जी की, ये रेमंड के हैं दोनों। और ये लोवर लिया है आदित्य जी ने जोकी, ये भी आदित्य जी का। ये टी शर्ट भी आदित्य जी की। और गाइज ये मेरे लिए है जो कि मेरे को लूज में बिल्कुल जींस चाहिए थी, और ये भी आदित्य जी ने दिलाई सच में, वरना मैं ले नहीं रही थी। और ये अपने लिए ब्लैक कलर का टॉप लाई हूँ, जैसे कि ब्लैक मेरा फेवरेट है। और मैंने सारे बैग देखिए पैक करके रख दिए हैं बंद कर करके, और क्योंकि फिर कभी सामान वामान इधर उधर जाता है तो ये बैग आराम से काम आएंगे। और मैंने टाय लगा के अच्छे से रखने वाली हूँ। सो गाइज मिलती हूँ थोड़ी देर में वापस से आपको मैं। सो गाइज रात के 12:15 बज रहे हैं और हम अभी भी काम कर रहे हैं। देखिए देव का जो कि प्रोजेक्ट मिले मैं इसे, क्योंकि आज 20 हो गई है और मैंने इसे बोला था कि 20 तक तेरे को काम कंप्लीट करना, लेकिन आज भी कंप्लीट नहीं होगा। सो क्योंकि हम दिन में चले गए थे मॉल में और आज इसे पूरे दिन ये बैठ के काम करना था। सो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। मैं नई नई जगह जाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और जिस मॉल में हम आज हम गए थे पहली बार हम गए हैं, और 1 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ है 1 जून में ही। तो मैंने आपको सब दिखाया, वहाँ बहुत सारे ब्रांड हैं, आप जा सकते हैं। सो आपको चैनल को लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियोस को प्लीज़ एंड तक देखना है। तो लेती हूँ आपसे विदा, ओके बाय बाय, गुड नाइट।